देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है, कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेट कर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। जितना पैसा मनरेगा में हमने एक साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। और देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं। यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है, आपकी सड़कें दिखाई इन्होंने, ये जो कचरा पड़ा हुआ था बाहर ये इन्होंने दिखाया कभी, मगर अंबानी की शादी तो दिखाते हैं। थोड़ी देर में यह भी कहेंगे कि भैया हमें भी भगवान ने भेजा है। करोड़ों महिलाएं हिंदुस्तान में अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, मोबाइल फोन खोलकर बैंक अकाउंट चेक करेंगी, और उसमें महीने का खटाक से 8,500 रुपए। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चलता जाएगा, कटाकट 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 अंदर। भाइयों और बहनों, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है, सोच बुद्ध भगवान की है, नारायण गुरु जी की है, बसवना जी की है, फूले जी की है,
गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी ना किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। भाई और बहनों, संविधान से रिजर्वेशन निकलता है, संविधान से चुनाव होते हैं, लोकतंत्र निकलता है, पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं, मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे, देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, चार चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं, उनसे पूछा वो चमचे ने, एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे, अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है, और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कहीं नैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो, मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने
इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता सारे सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे, उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है, कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अच्छा ये जो जो आए हैं ऊपर से जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात ये है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। अजीब सी बात है, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है, 16 लाख करोड़ रुपया, आम आदमी समझता ही नहीं है कितना है। जितना पैसा मनरेगा में हमने एक साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। और देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। भैया यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है, आपकी सड़कें दिखाई इन्होंने, ये जो कचरा पड़ा हुआ था बाहर ये इन्होंने दिखाया कभी, मगर अंबानी की शादी तो दिखाते हैं। थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि भैया हमें भी भगवान ने भेजा है। तो पहली बात कहता हूं आपको, ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको तो हम फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। दो अलग अलग शहीद तैयार कर रहे हैं, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, और दूसरे को
ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना परिवार की रक्षा होगी। तो पहला काम हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी लाए, सेना नहीं लाई, नरेंद्र मोदी जी लाए और इसको हम खत्म करेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे। आपने महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? सुना है? मैं समझा देता हूं। चुनाव के बाद 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद यमुना पार में जो भी गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं उनकी लिस्ट बनेगी, दिल्ली में बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी, करोड़ों लोगों के नाम आएंगे। और उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी करके कह सकता हूं कि आपने उसको सपने में भी नहीं देखा होगा। ऐसा सपना हिंदुस्तान के गरीबों ने नहीं देखा होगा जो हम करने जा रहे हैं, जो जिसको हम सच्चाई में बदलने जा रहे हैं। लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, एक महिला का नाम चुना जाएगा। और 4 जुलाई को करोड़ों परिवार, खटाखट, करोड़ों परिवार जागेंगे। 9 बजे सुबह महिला का बैंक अकाउंट होगा, करोड़ों महिलाएं हिंदुस्तान में अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, मोबाइल फोन खोलकर बैंक अकाउंट चेक करेंगी और उसमें महीने का खटाक से 8,500 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा, कटाकट 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 अंदर। मैडम आपका नाम क्या है? हा, इंदिरा, इंदिरा फैलो। तो इंदिरा जी, इंदिरा फैलो, जस्टिन, जस्टिन, ये यहां जो पुरुष हैं इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आजकल 21वीं सदी में आप सब काम करते हो, आप जॉब करती हो, लोग मजदूरी करते हैं, कॉल सेंटर में कोई काम करता है, ऊबर चलाते हैं, 8-10 घंटे स्त्री और पुरुष दोनों घर से बाहर काम करते हैं, मगर फिर शाम को घर आते हैं लोग और महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। सही बात? अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। देखिए, पुरुष बिल्कुल चुप हो गए, आपको बात अच्छी नहीं लगी, मुझे सच्चाई है। इसीलिए हम आपके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया डालने जा रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं, करोड़ों, कटाकट। अच्छा, आपने सुना होगा आजकल जो भी मोदी जी से बुलवाना बुलवा लो, हमने खटाखट शुरू किया, उन्होंने अपने भाषण में खटाखट 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 शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा कि भैया एक बार अदानी अंबानी का नाम ले लीजिए, 2 दिन बाद मोदी जी अदानी अंबानी का नाम लेते हैं, तो जो भी आपका मन चाहता है आप मुझे कह दो कि भैया मोदी जी से यह बुलवाना है, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर बुलवा देंगे 2 मिनट में। किसानों को, खैर यहां ज्यादा किसान नहीं है, मगर बताना चाहता हूं आपको, किसानों का कर्जा माफ,
और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए नहीं 400 रुपए, आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं की आमदनी दुगनी, यह हमारा मैनिफेस्टो में लिखा है। यहां पे बहुत सारे युवा हैं, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं, सबसे पहला काम 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो हम आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरा काम, आज हिंदुस्तान में दिल्ली में, पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, मगर उसमें मैंने कहा कि अगर कोई ऊबर चलाता है, ओला चलाता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है और गलती से अगर वो किसी को मार देता है तो उसकी 10 साल की सजा होती है। पुलिस वाले हथकड़ियां लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मारते हैं और 10 साल की सजा, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है वो, 17 साल का है, इलीगली चला रहा है, 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? हां, तो ये हम बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और युवाओं के साथ पिछले 10 साल अन्याय हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और जो रोजगार देने का सिस्टम है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटी दुकानें, छोटे कारीगर, छोटी फैक्ट्रियां, उन सबको नोटबंदी और जीएसटी से नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्यों किया? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच पाए। तो आपको उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, और जो मेड इन इंडिया का ढांचा था उसको खत्म कर दिया नोटबंदी से, जीएसटी से, और पूरा अदानी जी और अंबानी जी से मेड इन चाइना चला रहे हैं, और सिस्टम, आर्थिक सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, छोटे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, टी शर्ट पैंट बनाने वाले यूनिट बंद पड़े हैं, टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अब हमें यह बदलना है। सबसे पहले बदलने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के जेब में पैसा डालना है। क्यों? खटाखट खटाखट, ये इसका मतलब यही है। जब मैं खटाखट 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 कह रहा हूं मतलब जनता के जेब में पैसा जाएगा। तो इसके पीछे सोच है, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जी ने 22 लोगों को पैसा दिया, उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी, बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया, हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं, युवाओं को भी वही हम काम करने जा रहे हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक सेकंड में, युवाओं को भी देंगे, मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे, करोड़ों लोग शर्ट पैंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, और आप ही को, आपके आप ही के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चेन है, इंजन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करने का तरीका गरीबों के जेब में पैसा डालना है। उन्होंने इंजन को बंद करा, बंद कैसे किया? अरबपतियों के जेब में पैसा डालकर। अब युवाओं की बात करना चाहता हूं, 30 लाख रोजगार तो हम आपको शुरू में ही दे देंगे, मगर उसके बाद आपको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली बार दुनिया की कोई सरकार
ऐसा अधिकार दे रही है। सोच है पहली नौकरी पक्की, एक साल की नौकरी की गारंटी पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HEL इन कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी कॉलेज डिप्लोमा होल्डर्स को एक साल की गारंटीड नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 अंदर, साल का, एक साल का 1,00,000 रुपया आपके जेब में, उसके साथ आप जो करना चाहते हो करो, मगर हम चाहते हैं कि आप उसको खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, चालू होगी फैक्ट्रियां शुरू होंगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी बेरोजगारी खत्म होगी। तो हम इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने का। और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। भाई और बहनों, अंत में ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी के महाराजा राजा महाराजा चलाएं। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये है तब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है, और जिस दिन ये मिट गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, मिट जाएगी, घुट जाएगी। तो लड़ाई इसकी है, अंबेडकर जी की लड़ाई है। मैं जानता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर पूरा दम लगाकर यहां कन्हैया जी को, दिल्ली में हमारे कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी को के कैंडिडेट को जिताओगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आपको 4 सीटों में आम आदमी का समर्थन करना है, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आपको 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है, और एक साथ मिलकर आप सब काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए, और 7 के 7 सीटों में बीजेपी को दिल्ली में हराना है।